चलो, सबसे पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं साल में ये कई बार बात सुनता हूं, किसी बच्चे का टेस्ट में नंबर कम आ गया। सर बहुत बहुत नेगेटिव है सर, नहीं हो पा रहा सर, सांस भरता हुआ आता है। तो आपके नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में तभी टिकेंगे या तभी रहेंगे जब आप स्वेटिंग इंश्योर नहीं कर रहे हैं। युद्ध में सबसे तेज तलवार वही चलाता है जो दिमागी रूप से शांत है। दिस गेम इज प्योर फ्रस्ट्रेशन, प्योर फ्रस्ट्रेशन। अगेन रिपीटिंग दिस इज प्योर फ्रस्ट्रेशन। ये सब झूठी बातें होती रहेंगी, मैं फिर कह रहा हूं, इन बातों से दूर रहना। आपके पास बीमार होने का समय है वो इसलिए आया है क्योंकि आपके पास में सेल्फ टाइम नहीं था। ये भी खराब हो ही नहीं सकती, जिंदगी दिनों से ही बनी हुई है। आपका अगर हर दिन प्रोडक्टिव है, आप हर दिन कुछ ढंग का कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होना है, कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कर सकते हो, और टाइम टेबल रोज बनना है इससे। टाइम टेबल इज नॉट ए सिंगल डे टास्क कि बना लिया एक बार और निकल लिया यहां से, उसके बाद में कोई साथ निभाना साथिया देख रहा है, कोई बालिका वधू देख रहा है, कोई प्रतिज्ञा देख रहा है, आईपीएल का मैच देख रहा है, बन गया टाइम टेबल का। टफ सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपका स्मूथ रिजल्ट नहीं आता। हम यहां कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस करने आते हैं, घर पे डिस्ट्रैक्शंस की प्रैक्टिस होती है, इसलिए यहां आके हम कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं। अभी तुम चाहकर भी फोन नहीं देख सकते, तो दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और हमारा ब्रेन प्रैक्टिस का प्रोडक्ट है। आपने रीड किया जो सर ने पढ़ाया, उसको रिवाइज किया, उसको समराइज किया, ये आपका टास्क है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। और फिर उससे बड़ा टास्क है मेमोराइज करना। तब ये नहीं है कि मुर्गे से पहले उठ गए। अरे आजकल मुर्गा बोलता है 4:30 बजे जब भी बोलता है, 3:30 बजे उठ गए और अंधेरी रातों में घूम रहे हो और गाना गा रहे हो, शहनशाह तो अंधेरी रातों में निकलता है, हम शहनशाह हैं। ये हरकतें भी नहीं करनी अपनी। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइम टेबल बेसिकली टुडे। माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टाइम टेबल। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, और क्योंकि बहुत बड़ा सवाल रहता है स्टूडेंट्स का, बार बार पूछते हैं कि टाइम टेबल बना दो, टाइम टेबल बना दो। मैंने कहा पहले टेबल लेके आओ, लाते नहीं है। ठीक है, जो भी है। तो टाइम टेबल के बारे में आज बात करेंगे कि किस तरीके का आपका टाइम टेबल होना चाहिए, और आप इसका साल भर इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इसका मतलब है, अदरवाइज कोई सेंस वाली बात नहीं। मैं आऊंगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और आप इसका यूज नहीं करेंगे तो इट इज प्योरली सेंसलेस। टाइम टेबल में सबसे पहली चीज है सेल्फ टाइम। देखो, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जब आपके साथ कोई नहीं होगा तब दो चीजें आपके साथ होगी, एक का नाम है करियर, एक का नाम है हेल्थ। मान लो अगर करियर भी आपके साथ में ना रहे तो एक चीज आपको जिंदा रखेगी और उसका नाम है हेल्थ। अगर आपके पास में हेल्थ है तो आप वापस फाइट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने हेल्थ ही खत्म कर ली तो आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं। मैं तैयारी के दौरान देखता हूं साल भर में कई लोग सूझ जाते हैं, कई लोग सिकुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है अपने को। वी हैव टू मैनेज आवर सेल्फ, दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हैं। आजकल आप लोग सुनते होंगे ना, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बच्चा इमेच्योर होता है थोड़ा सा, जो प्री मेडिकल की तैयारी कर रहा होता है तो कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेता है वो, जिससे उसकी लाइफ ही खत्म हो जाती है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने टाइम टेबल तो बनाया 12 घंटे का 15 घंटे का, लेकिन कभी सेल्फ टाइम इंक्लूड नहीं किया उसमें। तो आप चाहे पढ़ो मत पढ़ो, तैयारी करो मत करो, जो करना है वो करो, लेकिन सबसे पहले ये चीज आपको जिंदगी भर करनी है जो मैं बता रहा हूं।
क्योंकि अगर तुम्हारी हेल्थ खत्म हो गई ना, जिसकी शुरुआत अब होने वाली है, 10वीं क्लास तक तुम फिट थे, 10वीं क्लास तक तुम्हें कोई समस्या नहीं थी, फिर चश्मा लगा, पहले आंखें खराब होती है, फिर माथा खराब होता है, फिर दो चार की किडनी सूज गई, हाँ, फिर किसी के दिल टूट गए, तो स्वास्थ्य समस्याएं आपके साथ में बढ़ने लगती है समय के साथ साथ में, कई स्वास्थ्य समस्याएं आ गई। तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि सबसे पहले हमें सेल्फ इन्वेस्टमेंट, सेल्फ टाइम की बात करनी है, और वो कैसे कैसे करना है ये एक बार आप लोग देख लीजिए। सेल्फ टाइम की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें सबसे पहली चीज है फिजिकल डेवलपमेंट, और इसको याद रखना, क्योंकि अगर तुम ये करोगे ना, तभी तुम लोग क्लास में एंथुजियाज्म के साथ में आओगे। 90% बच्चे तो क्लास में से मुंह फाड़ते रहते हैं नवंबर तक। तो बोले क्लास का टाइम कितने बजे का था, बोले 8:15 का। तू कितने बजे उठा, 8:10 पे। 5 मिनट किसमें खराब के, बोले रास्ते में खराब हो गए, वो तो थोड़ा दूर है मेरा यहाँ का घर। ये तो हालात होते हैं बच्चों के। आपको लगता है जो इंसान प्रिपेयर्ड ही नहीं है प्रॉपरली, उससे आप परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। जिसका मेंटल ओरिएंटेशन ही सेट नहीं है कि मुझे क्लास में जाके सीखना है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले ये आप एंश्योर करें डेली बेसिस पर, एंश्योर डेली स्वेटिंग, कि आपको रोज पसीना आ रहा है, डेली स्वेटिंग है ना। जब मैं यूट्यूब पे इसकी बात कर रहा था, तो मैं बोल रहा था कि जिसको बनना है जॉन सीना, उसको निकालना पड़ेगा पसीना, है ना। आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा ऐसे, है ना। बहुत बढ़िया, ये चीजें तो सुन लिया करो तुम लोग, है ना। और तो कोई काम नहीं है तुम्हारे पास में, तो स्वेटिंग इंश्योर करनी है हमको। कैसे इंश्योर करोगे स्वेटिंग, अब क्या रास्ता है उसका? कुकर में बैठ जाओगे क्या? क्या रास्ता है? सर बड़ा कुकर लेके आएंगे, हमारे पास 2 लीटर का है अभी, हम वॉल्यूम चेक कर लेते हैं हमारा, कुकर लेके आएंगे बड़ा। समथिंग समथिंग, एनी एक्टिविटी जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़ती हो, तो उससे स्वेटिंग होती है, ये बात सब लोगों को पता है। तो फिजिकल एक्टिविटी, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं साल में ये कई बार बात सुनता हूं, किसी बच्चे का टेस्ट में नंबर कम आ गया, सर बहुत बहुत नेगेटिव है सर, नहीं हो पा रहा सर, सांस भरता हुआ आता है। तो आपके नेगेटिव थॉट्स जो हैं, वो आपकी बॉडी में तभी टिकेंगे या तभी रहेंगे जब आप स्वेटिंग इंश्योर नहीं कर रहे हैं। जब आप पसीना बाहर निकालना शुरू करते हैं, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं रुकते, नेगेटिव थिंकिंग खत्म हो जाती है। तो हमें सबसे पहले इंश्योर करना है स्वेटिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सब लोगों की खोपड़ी में चीज सेट होनी चाहिए, वरना तुम लोग क्या करोगे? किसी का पीसीओडी का ट्रीटमेंट चलेगा, किसी का हेयर फॉल का चलेगा, किसी का पिंपल्स का चलेगा, किसी का दिमाग खराब हो गया उसका चलता रहेगा, और ट्रीटमेंट ही चलेगा तुम लोग। डॉक्टर बनने से पहले पेशेंट बन जाते हो तुम। ऐसी युवा पीढ़ी जिसमें क्षमता ही नहीं है, वो क्या उखाड़ लेगी? सब पौधा उखाड़ सकती है सर, पौधा उखाड़ देंगे सर, आप बताओ ना सर, अभी उखाड़ दें। सबसे पहले आप में पावर होनी चाहिए, और मेंटल पावर की शुरुआत फिजिकल पावर से होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्लांट्स में दो पार्ट होते हैं, अपेक्स और शूट, होता है कि नहीं होता है? अरे तुम कुछ थोड़ा बहुत पढ़े हो, सब लोगों के पास बायोलॉजी थी ना, ये चीज तो पढ़ी है सब लोगों ने। तो ये हमारा, जैसे इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं वो सिस्टम है जो इसको चलाएगा। अगर ये सिस्टम खराब है ना, तो इसके चलने की उम्मीद मत करना, गलती से भी बेवकूफी होगी बहुत बड़ी।
तो हमें स्वेटिंग इंश्योर करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर रिपीट कर देता हूं तुम लोगों को, वरना तुम लोग शायरों जैसी बातें करोगे, हमें तो अपनों ने लूटा। अरे तू एक्सरसाइज नहीं करता इसलिए घटिया बातें करता है। इंसान का मूड तभी ऑफ रहता है जब वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं। आप देखो भारत में 90% लोगों की मूड खराब है, क्यों? मैगी खाते हैं, सोते रहते हैं, काम थोड़ा ना उनके पास कुछ। तो हमें ये इंश्योर करनी है, और मैं इसके लिए बार बार जो चीज मैं यूज करता हूं मैं बता देता हूं। आई यूज 15 to 20 में स्टेयर क्लाइंबिंग, और मैं कई बार, आजकल तो मैं इसका आदी हो गया हूं बहुत ज्यादा, मैं कई बार यहां पर भी यही करता रहता हूं। कई लोग मुझसे पूछते हैं यहां सीढ़ियां चढ़ने आते हो? मैंने कहा, बोले कोई काम? मैंने कहा नहीं, एक ही काम है मेरे पास में, स्टेयर क्लाइंबिंग। दिस इज द, ये वो चीज है जो रनिंग से भी ज्यादा इफेक्टिव है, भागने से ज्यादा इफेक्टिव है, और इसमें नी जॉइंट के खराब होने का खतरा भी थोड़ा कम होता है, ठीक है ना? तो स्टेयर क्लाइंबिंग हम लोगों को करनी है, इससे फ्रेशनेस आती है। अब कई लोग आजकल क्या यूज करते हैं इसके लिए, बोले सर थोड़ा थक गए थे, और क्या कर रहे थे? मोबाइल चला रहे थे, मोबाइल गेम खेल रहे थे। बोले कैसे, क्या 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 होता है उससे? बोले सर बंदूक चलाते हैं तो उसे कंधे में झटका आता है तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना? आजकल से कई गेम आते हैं इसमें सिर्फ सिर्फ फायरिंग होती रहती है, तो इंसान यही सीख जाता है। हमारे पीएम भी यही करते हैं, तो फिर अब ऑब्वियस सी बात है, अब हम देश के लोग तो करेंगे करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज करनी है, और इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी यही है ना, दैट वी यूज मोबाइल गेम्स सर 5 मिनट दिमाग फ्रेश करने के लिए। तो दिमाग फ्रेश करने के लिए ये एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन ये है। सेकंड देखो एक बार आप लोग, सेकंड एस्पेक्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अभी आपके टाइम टेबल में कितना टाइम कंज्यूम कर चुका हूं मैं आप लोगों का? 15 मिनट, है ना? ज्यादा टाइम नहीं लिया हूं। तुम लोग अच्छा यही करते रहेंगे, सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे, हो गया टाइम टेबल? अब तो शुरुआत हुई है, टाइम टेबल बहुत लंबा चलने वाला है अभी, है ना? क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों की तरह पेन और पेपर ऐसे नहीं आ गए ऐसे उठ के। अगर मैं तुम्हारे सामने बोलने आया हूं तो मैं पहले बहुत होमवर्क करके आता हूं उसके ऊपर, हवाई फायरिंग नहीं करता हूं मैं, क्योंकि मेरी मेहनत करने की आदत शुरू से है, प्री मेडिकल के टाइम से, और तुम लोगों की टाइम पास करने की आदत है, शुरू से ही पड़ी हुई है। बहुत सारे लोग सीरियस हो गए जो लोग टाइम पास करते हैं वो, है ना? सीरियस कौन होता है? तो आप किसी की सच्चाई बोल दो, इसको कैसे पता हमारे बारे में? है? बहुत सीरियस हो जाते एकदम से। सीरियस मत हो, रिलैक्स रहा करो। तो फर्स्ट चीज हमारे पास में, सेकंड चीज की मैं बात करूं, दैट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे इट्स ऑल अबाउट बीइंग मेंटली रिलैक्स्ड, है ना? ये दिमागी रूप से शांत रहने के ऊपर काम करता है, मेंटल रिलैक्सेंट है ये, शांत रहने की प्रक्रिया है ना, शांत रहने का अभ्यास बोल सकते हैं आप। कई लोग बस क्या करते हैं इस काम के लिए, इंस्टा मैसेजेस का यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पे। सर बहुत देर से पढ़ रहे थे, क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे 2-3 मैसेज कर दिए, 2-3 की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दिए, बातचीत चल रही, बढ़िया, आराम से, आनंद है, दिमागी शांति है, कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में। आपको अपने दिमाग को शांत रखने के लिए सेपरेट टाइम निकालना पड़ेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि युद्ध में सबसे तेज तलवार वही चलाता है जो दिमागी रूप से शांत है। और अगर आप मेंटल रिलैक्सेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप निपट जाने, क्योंकि यहां तैयारी में भयंकर फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं होगा, यह आसान काम नहीं है। आपको डे वन ये बोला जाएगा, तू एम्स दिल्ली, तो रुक ही नहीं सकता उससे पहले। बोले क्यों, तेरे पास बस का टिकट है? तो बीएचयू तेरा का एम्स जोधपुर, तो एम्स ऋषिकेश, ये सब हवाई बातें होंगी डे वन, इसका सच्चाई के साथ में कोई संबंध नहीं है, ये सारी बातें काल्पनिक है। दिस गेम इज प्योर फ्रस्ट्रेशन,
प्योर फ्रस्ट्रेशन, अगेन रिपीटिंग दिस इज द प्योर फ्रस्ट्रेशन. इफ यू आर रेडी टू टेक, इफ यू आर रेडी टू हैंडल द फ्रस्ट्रेशन, यू आर वेलकम हियर. घर पे जाके सो, रोटी पानी खाओ, मम्मी बना रही है बढ़िया, अगर आप फ्रस्ट्रेशन नहीं झेल सकते हो तो. हियर देयर विल बी शियर फ्रस्ट्रेशन ओनली. और आपका इंतजार हॉस्पिटल्स में अगर पेशेंट कर रहे हैं तो आपका इंतजार, ऐसे लोगों का इंतजार वहां हो रहा है जो 16 घंटे पूरे फोकस के साथ काम करते हुए फ्रस्ट्रेशन को झेल सकते हैं. उसकी शुरुआत यहीं से होती है. इतना टफ क्यों है कॉलेज में जाना, सबको सीट क्यों नहीं देते, तो वहां मतलब गधे भर रहे हैं उसमें. आपको हर सेकंड एक टफ डिसीजन लेना है, 16 घंटे एक्सट्रीम कंसंट्रेशन के साथ में काम करना है. किसी की छाती में दर्द हो रहा है, तुम उसको एसिडिटी का ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको हार्ट अटैक आया पड़ा है, ऑप्शन तुमसे सेलेक्ट हुआ ही नहीं है, तुम क्या खा के इलाज करोगे? तो फ्रस्ट्रेशन को झेलने की क्षमता विकसित अभी से कर देना. बाकी सारी बातें झूठ है. तुम्हारी शक्ल देख के लोग कहेंगे तू तो दिखता डॉक्टर जैसा है, कार्डियक सर्जन कम से कम. ये सब झूठी बातें होती रहेंगी. मैं फिर कह रहा हूं इन बातों से दूर रहना. तो हमें हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे काम करना है, और इसके लिए मैं डे वन से, बहुत समय से, प्राचीन काल से, बाबर के समय से बता रहा हूं कि इसके लिए आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करना है. कितने लोगों को इसके बारे में पता है? अरे हाथ तो खड़ा ढंग से करो, ऐसे क्या कर रहे हो? मुरझाया हुआ हाथ है क्या तुम्हारा? कितने लोगों को पता है इसके बारे में? सीरियसली नहीं पता आप लोग? नहीं, मुझे भी अनुलोम विलोम का नाम तो पता है, बट मैंने बोला नहीं. किसी को नहीं पता इसके बारे में सीरियसली? अरे यार तुम लोग कहां से आए हो रे यार? आए तो घर से. हाँ, यस, एग्जैक्टली. देखो इसका अल्टीमेट गोल होता है, प्लीज बैठिए. इसका अल्टीमेट गोल होता है आपके पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना. यार तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, तुम लोग क्या देखते सुनते पढ़ते हो, मेरी समझ के बाहर हो तुम लोग सारे. यह चंद्रभेदी प्राणायाम होता है. इसमें क्या करना होता है, इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो होता है ना अपना बाया नथुना, आपको पता है हमारे नाक के दो पार्टीशन है यार, और अगर सिर्फ सांस ही भेजनी होती तो एक छेद रख सकते थे गोल बीच में, लेकिन सेपरेशन हो रखा है तो कुछ तो लॉजिक है उसके पीछे. अगर आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं और लेफ्ट से सांस खींचते, अभी नहीं खींचनी है, अभी बाबा रामदेव कोई नहीं बनेगा, और लेफ्ट से सांस खींचते हैं 4 सेकेंड 5 सेकेंड और 2 सेकेंड तक उसको रोकते हैं और फिर राइट से वापस छोड़ देते हैं. कभी भी आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा हो, कंसंट्रेशन पुअर हो, पढ़ने में इच्छा ही नहीं हो रही हो आपकी, आपके मन में ऐसी फीलिंग आ रही होगी ये सब तैयारी व्यारी बंद कर दो, तो उस दौरान आपको ये प्राणायाम करना होता है. अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो ही ना तो इसको रोज करना होता है, जिससे आपका मन मजबूत होगा, आपका हमेशा पढ़ने का मन करेगा, आपकी पढ़ने की डिजायर स्ट्रांग होगी और आप कभी भी पढ़ने से जी नहीं चुराएंगे. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग यही है कि आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. इसका एक्चुअल मीनिंग ये है. इसका मतलब कमंडल लेके हिमालय की तरफ जाना नहीं है. और क्लास में आपका कंसंट्रेशन रहे, क्योंकि कंसंट्रेशन ही धर्म है हर एक स्टूडेंट का. और तुम कंसंट्रेट नहीं कर सकते यहां बैठ के तो तुम स्टूडेंट कहलाने लायक नहीं हो. मैं कई लोगों को देखता हूं, कोई कह रहा है जय श्री राम, कोई कह रहा है अल्लाह अकबर, कोई कह रहा है गॉड इज ग्रेट, कोई कह रहा है
गुरु नानक साहब भी महान है, पता नहीं कौन कौन सी बातें हो रही है। कोई कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट का धर्म तो कंसंट्रेशन है, उसकी प्रैक्टिस किसी को करनी नहीं है। 2 मिनट कंसंट्रेशन बनता नहीं है तुम्हारा, 3 मिनट बैठा दो तो उसमें 4 जगह ध्यान चला जाता है तुम्हारा। ऐसा कोई स्टूडेंट स्टूडेंट होता है? धब्बा हो स्टूडेंट के नाम पे। यहां क्लासरूम में बैठने के बाद अगर तुम्हारा ध्यान 1 मिनट भी कहीं पर चूकता है तो तुम स्टूडेंट नहीं हो। प्रैक्टिस द एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द ग्रेटेस्ट एवर अचीवमेंट्स, ऑल द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज, ऑल द नोबल प्राइज, ऑल द वंडर्स दैट यू कैन सी इन दिस वर्ल्ड, दे ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और इसीलिए पढ़ाया जाता है लोगों को। अगर तुम लोग ऑफलाइन क्लासरूम में आके बैठे हो तो उसका सीधा मतलब यह है कि तुम्हें 6 घंटे एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस करनी है, और अगर नहीं कर सकते तो रहने देना। कभी इससे बात कर ली, कभी उससे बात कर ली, कभी उसकी तरफ देख लिया, कभी इसकी तरफ देख लिया, यू आर लॉस्ट। तुम्हारे जैसे तो कई हैं, फिर कई आके चले जाएंगे। स्टूडेंट का एक ही धर्म होता है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन। और आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको किसी भगवान की जरूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेट करने वाला इंसान भगवान के बराबर होता है, उसे उस सब कुछ हासिल हो जाता है जो भीख के तौर पर भगवान से मांग रहा था। लेकिन वो नहीं करेंगे, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा के भगवान को खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 51 रुपए तो आसान है। साल भर 6 घंटे की कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, और हम आसान सौदा करते हैं। मुश्किल थोड़े ना करते हैं, आसान सौदा जो हमारे लिए आसान है। 51 रुपए में गणेश जी करवा दोगे सिलेक्शन? नहीं, डील कैंसिल। चलो मैं आपके बापूजी के पास जा रहा हूँ, शिव जी के पास, 101 रुपए में। ऐसी बातें करते हम लोग। प्रैक्टिस द कॉन्सेंट्रेशन इफ यू रियली वॉन्ट टू अचीव समथिंग। मैं जब इस क्लास में हूं तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन आप लोग के ऊपर है और कहीं नहीं है। मैं मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली सिर्फ यहीं पर हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो मैं सुन रहा हूं, मेरे शब्दों के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है। और मेरे पूरे 2 घंटे के दौरान शायद ही कभी ऐसा होगा कि मैं कोई गलती करूंगा। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। इट विल रेयरली हैपन दैट आई विल कमिट एनी मिस्टेक। लेकिन आप लोग हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होते हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे 12वीं क्लास के बाद ही। नहीं होंगे, क्योंकि सीटें लिमिटेड है। लेकिन अगर आप खुद का बेस्ट निकालना चाहते हो तो आपको कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो इंसान कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस करना सीख जाता है, उसको आज नहीं तो कल अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेस्ट हासिल हो ही जाता है। और जिस दिन आपने अपनी जिंदगी में कॉन्सेंट्रेशन को इन्वॉल्व कर लिया, आप ये देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस से आप खुद आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं तो इतना पढ़ा ही नहीं था। चंद्रभेदी प्राणायाम की प्रैक्टिस आप रोज कर सकते हैं, आते जाते सोते जगते कभी भी कर सकते हैं। ये इस प्राणायाम को कब यूज करता हूं, वैसे तो मैं आज के 2 महीने पहले तकरीबन 2-3 घंटे यही करता था, कोई काम नहीं था मेरे पास में, तो मैंने सोचा प्राणायाम कर लेते हैं। मैं प्राणायाम करने लगा 2-3 घंटे। अभी मैं क्या करता हूँ, जब रात को सो रहा होता हूँ तब मुझे अगर मान लो नींद नहीं आ रही है तो मैं राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लेता हूँ और लेफ्ट से ही सांस लेता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। आपकी क्लास में कंसंट्रेशन इसी बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितना ढंग से सो के आए हो। कई लोगों को लगता है ना कि हम 4 घंटे सोएंगे और 8 घंटे पढ़ेंगे तो हम फोड़ देंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है।
मैं कहूंगा 8 घंटे सो, 4 घंटे पढ़ो बहुत है, क्योंकि तुम्हारी जो लॉन्ग टर्मल मेमोरी है ना, जिसे तुम लोग परफॉर्म करते हो एग्जाम में, वो सिर्फ सोने के ऊपर डिपेंड करती है। और उससे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर सो के आओगे तभी क्लास में बातों को ध्यान से सुन पाओगे। 6 घंटे यहां पर तुम लोग सत्यानाश करके चले गए, तुम्हारा ध्यान था ही नहीं, तुम्हें नींद आ रही थी, और फिर तुम खुद के टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हो जिसमें 3 घंटे की प्लानिंग लिखी हुई है, 6 घंटे तुमने बर्बाद कर दिए, और 2.5 घंटे के टाइम टेबल के लिए तुम सीरियस हो। और टाइम टेबल कब का सेट किया, रात को 1 बजे शुरू होता है, 3:30 खत्म होता है। मत करना ऐसा, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाला इंसान कभी परफॉर्म नहीं कर सकता, उसकी हर चीज डिसफंक्शनल होगी, प्रॉपरली काम ही नहीं करेगी, चाहे उसकी कंसंट्रेशन हो, चाहे उसकी बॉडी हो, चाहे उसका मूड हो, चाहे उसका फोकस हो, उसका कुछ भी प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इस चीज के ऊपर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तीसरी चीज, थोड़ा सा टाइम आपको एक और चीज के लिए निकालना है, इसके लिए मैं 10 मिनट बोल देता हूं। वैसे आप रात को सोते वक्त भी कर सकते हो ये ऐसा प्राणायाम है, लेटे लेटे भी कर सकते हो। एक है मेंटल डेवलपमेंट, उसके लिए तो आप यहां पर आए हो, और मेंटल डेवलपमेंट में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा यहां पर, इसका मतलब सिर्फ मेमोरी है, याददाश्त शक्ति, जो कंटेंट अगर आपको याद होगा तो आप वहां जाके परफॉर्म कर पाओगे। तो यहां पर मैं बेसिकली मेमोरी की बात कर रहा हूं, मेमोरी, और मेमोरी का सीधा मतलब मेमोराइजेशन से है, कि आप डेली बेसिस पर कम से कम 30 से 40 मिनट मेमोराइजेशन करें, और आप नहीं कर सकते हैं तो आप कभी एक स्ट्रांग मेमोरी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। मेमोराइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को मन ही मन में सोचना, जैसे तुम ख्यालों में बहुत कुछ सोच लेते हो ना, मुस्कुरा लो थोड़ा, थोड़ी शर्म कर लो तुम लोग, मुझे पता है तुम सब 12वीं पास हो, सारे खिलाड़ी लोग हो तुम, अभी भी नहीं हंसेंगे, आपको कैसे बताऊं खिलाड़ी है? देखो हमारा, जैसे हमारे फेफड़े, हमारे फेफड़ों का क्या काम है, यूरिनेशन करवाते हैं, मिक्चुरेशन, फेफड़े क्या काम करते हैं, ब्लड पंपिंग का, कोई नहीं बोल पा रहा, बताओ जो इनके हालात है, फेफड़ों का फंक्शन नहीं पता इनको अभी तक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना? क्या तुम फेफड़ों को एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने से रोक सकते हो, चाह कर भी, कि रुक जा, नो। अच्छा, हार्ट का काम क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, अच्छा खून को यहां से वहां फेंकता है, ये पता है ना सब लोगों ये बात, क्या तुम चाह कर रोक सकते हो कि रुक जाओ बहुत हो गया आज, हैं? ये हार्ट आज किसी और को देना है, क्या रोक सकते हो, नहीं रोक सकते ना। अच्छा दिमाग का क्या काम है सर, बाकी का तो पता नहीं, हमारा तो किसी काम ही नहीं आता है ना, हाँ हमको तो कुछ लगा ही नहीं सर ऐसा, है भगवान ने टोपी पहना रखी है, बट पता नहीं है सर ये क्या क्या काम करता है, टेल मी क्या काम आता है, थिंकिंग, हाँ मतलब बॉडी को अल्टीमेटली ब्रेन ही कंट्रोल करता है, बट एक इसका मेजर पार्ट है थिंकिंग एंड प्लानिंग, है ना, सोच सकता है ये और प्लान कर सकता है किसको करना कैसे। देखो ब्रेन दो टाइप के हैं अगर देखा जाए ना इन रियल, तो ब्रेन भी दो टाइप के हैं, एक वो जो हमेशा डरते रहते हैं, फियर्ड, कि उनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ही आती रहेगी, मेरे साथ अब ये होने वाला है, मतलब अगर मान लो उनके हाथ में खुजली चल रही है ना यहां गलती से, है ना, तो ये सोचेंगे इसमें सोरियासिस हो गया,
खोपड़ी दुख गई मान लो किसी दिन गलती से, ना हेडेक हो गया, ब्रेन ट्यूमर है मुझे, मरूंगा मैं, होता है कि नहीं होता ऐसा? कई लोग बहुत डरपोक होते हैं, वो डरते ही रहते हैं, वो पैदा क्यों है? डरने के लिए, उनका काम ही यही है। दूसरा ब्रेन जो सेकंड टाइप का है, ये करता है बिलीव कि मुझे जिंदगी में ये करना है, मैं इसके लिए प्लान कर रहा हूं, मैं इसके लिए सोच रहा हूं, और यही ब्रेन का वो टाइप है जो अचीव कर लेता है, ये इट विल फिनिश्ड, ये वो लोग है जो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। डरने वाले लोग, जो डायलॉग है ना, जो डर गया वो मर गया, उसका मतलब समझ में आया कभी आपको? उस डायलॉग का मतलब ये है कि कोई सा भी शरीर अगर मानसिक तौर पर डर की स्थिति में आता है, तो उस शरीर में वो सारे हार्मोन्स स्रावित होने लगते हैं, सीक्रेट होने लगते हैं, जो बॉडी के सारे फंक्शंस को मिनिमाइज करने लगते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, और फिर वो धीरे 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 हर ऑर्गन को डैमेज कर देते हैं। तो आप आज जितने सारे पेशेंट्स देखते हो हॉस्पिटल्स में, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, 90% वो लोग हैं जो डरपोक लोग हैं। जो अपने मेंटलिटी पे कंट्रोल नहीं कर पाए। साइकेट्री के बहुत सारे पेशेंट देखते हो आप लोग, कोई एंग्जाइटी में है, कोई डिप्रेशन में है, कोई फ्रस्ट्रेशन में है, किसी को क्या हो गया है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, पता नहीं क्या क्या है, ये डरपोक लोग हैं। और डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमारा दिमाग ऐसे डिजाइंड है कि हम डरेंगे, क्योंकि हम पहले जंगल में रहते थे, वहां शेर भगेरा सांप कभी भी आ सकता है, तो डरना हमारे नेचर में वाया ह्यूमन इवोल्यूशन के प्रोसेस में हमको मिला है। लेकिन अब तो हम लोग घरों में रहते हैं, जब सांप वाप के आने की उम्मीद नहीं है, शेर भी नहीं आ सकता, भगेरा भी नहीं आ सकता, तो हम इमेजिन करते हैं अब कि हमारी जिंदगी में कौन सांप है, कौन भगेरा हो सकता है, कौन शेर हो सकता है, और हम अननेसेसरी फियर्स क्रिएट करते हैं, हाइपोथेटिकल फियर्स, ये हो गया तो क्या होगा, फिर मम्मी क्या बोलेगी, तो पापा जान से मार डालेंगे, और पता नहीं क्या क्या हम लोग सोचते रहते हैं। पापा सोच रहे हैं मेरी बेटी क्या सोचेगी, मेरा बेटा क्या सोचेगा, उनको मैं क्या जवाब दूंगा, और घर में सब डरे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, कर कोई, क्योंकि डरा हुआ दिमाग कुछ नहीं कर सकता, कुछ कर थोड़ा ना सकता है, वो जो डर रहा है वो भी तो काम कर रहा है क्या, डरने का। डरना मतलब बींग मेंटली हैंडीकेप्ड विद द सेल्फ एफर्ट्स। आपका सर्टिफिकेट नहीं बनाए, बाकी आप ऐसा पूरा प्रयास कर चुके हैं कि आप मेंटली हैंडीकेप्ड हैं, तो आपका ब्रेन आपको डराएगा, खत्म करेगा कि भाई ये नहीं, तू जीने लायक ही नहीं है, और उसी को अवॉइड करने के लिए मेमोराइजेशन है कि आप डेली बेसिस पर वो सोचना शुरू करें जो आपके सब्जेक्ट के काम का कंटेंट है। इट कैन बी एनीथिंग, इतने साल पढ़े हो आप, कुछ तो आपको याद होगा, किसी चैप्टर का फॉर्मूला हो सकता है, कोई एक प्रोसेस हो सकती है, जैसे आप ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सोच रहे हो, इससे परफेक्शन आता है, स्पीड बढ़ती है, नेगेटिव थिंकिंग खत्म होती है, ओवरथिंकिंग खत्म होती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, ये अल्ट्रा पावर है। कोई भी स्टूडेंट अगर इस चीज की प्रैक्टिस करता है, मैं लिटरली बता रहा हूं, सिर्फ ये एकमात्र ऐसी चीज है जो एक एवरेज स्टूडेंट को ब्रिलियंट बना सकती है, बाकी सब दुनिया में फर्जीवाड़ा है। दुनिया का कोई सा इंस्टीट्यूट ये बोल दे कि हम सेलेक्ट करवा देते हैं, या कोई ऑनलाइन क्लास ये बोल दे कि हम सेलेक्ट करवाते हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं ये बोल दूं कि सेल से सेलेक्ट करवा देगा, झूठ है। मैं कह दूं कि मैं सेलेक्ट करवा दूंगा किसी को, सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। सेल्स ने इतने सारे सिलेक्शन करवा दिए, झूठ, बिल्कुल सच नहीं है, तो सबसे बड़ा झूठ है, बच्चा खुद सेलेक्ट होता है। तो ये सारी बातें झूठी है। सच्चाई ये है कि अगर
आप में लड़ने की काबिलियत है, फियर को ओवरकम करने की ताकत है, मेमोराइज करने की पावर है। एक एवरेज स्टूडेंट तभी सक्सेसफुल होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब वो मेमोराइज कर सकता है, क्लास में बैठ के कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। इस क्लास में भी मैं देख पा रहा हूं कई बच्चे हिलडुल रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक शब्द यूज होता है, दैट वर्ड इज नॉन एज स्टिलनेस। स्टिलनेस, स्थिरता। कॉन्सेंट्रेशन आपके मेंटल स्टेमिना को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि आप मेंटली कितने फिट हैं, कितने स्टेबल है, कितने फोकस्ड हैं। क्योंकि फोकस के बाद चमत्कार शुरू होता है। सूरज पूरे दिन तपता रहे, चमकता रहे, कोई नीचे कागज जलता नहीं है, उसको फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट कर दो लेंस से, कागज जलने लगेगा, तो ये चमत्कारित होगा, कॉन्सेंट्रेशन से होगा। और कॉन्सेंट्रेशन की शुरुआत होती है फिजिकली स्टेबल होने से। आप यहां क्लास में बैठे हो, हिलडुल रहे हो, झुके हुए बैठे हो, साइड स्टैंड लगा के बैठे हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन पुअर है। कॉन्सेंट्रेशन की स्टेट का मतलब है यू विल बी फिजिकली वेरी स्टेबल, यू आर नॉट मूविंग एट ऑल। और सबसे बड़ी बात यह, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि क्लासरूम के 6 घंटे को एक स्टूडेंट अपने टाइम टेबल में काउंट नहीं करता। क्यों नहीं करता, मेरी समझ के बाहर। उस दौरान उसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए, और अगर होगा तो उसको खुद के टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं है सर, जरूरत ही नहीं है, वो क्लास में सब कुछ सीख लेगा। लेकिन खुद के टाइम टेबल को बहुत सीरियसली लेता है, क्लासरूम में जो हो रहा है होने तो क्या फर्क पड़ रहा है, 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट करेंगे फिर निकल लेंगे यहां से। तो ये गलती आपसे किसी केस में नहीं होनी चाहिए, किसी भी केस में नहीं होनी चाहिए। इस चीज को आप लोग दिमाग में सेट कर लेना। तो ये सेल्फ टाइम की कुछ बात थी। ये 3 चीजें आपको अपने लेवल पे करनी है, ये कोई आपसे नहीं करवा सकता। स्टेयर क्लाइंबिंग, डेली स्वेटिंग आप कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और मेमोराइजेशन, इसके लिए ये काम कोई नहीं करवा सकता आपसे, सिवाय आपके खुद के। और तुम लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे ना, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं दुनिया में। तुम चाहते हो ना, हमेशा तुम्हारी थिंकिंग होती है ना, कि आपको आपके जिंदगी में कोई दूसरा इंपॉर्टेंस दे। तुम तो मेरे हो, मेरे अपने हो। तुम खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे, तुम्हें कोई दूसरा कोई खाक इंपॉर्टेंस देगा। तुम्हें खुद की परवाह नहीं है, तुम ये चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी परवाह करे। क्यों, तुम्हारे पास खुद के लिए 10 मिनट नहीं है और तुम चाहते हो कि 10 लोग तुम्हारी बात करें घंटों पर, ऐसा क्यों भाई, व्हाई? सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सेल्फ लव का एक ही रास्ता होता है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि कांच में देख रहे और समेट लिया एक को ऐसे, अरे तू तो मेरा ही है। This is not self love. आधे लोगों को तो ये समझ भी नहीं आता कि self love होता क्या है। Self love means punishing yourself for positive outcome. This is punishment. This is also punishment. कि नाक को बंद करके सांप जैसी आवाज निकाल रहे हो, obviously punishment. This is clear punishment. हाँ, आप किसी की यादों में नहीं खोए, ग्लाइकोलाइसिस आपकी यादों में बताओ, तो पनिशमेंट ही है यार। लेकिन ये हमें नहीं करना है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पास गुलाब के फूल आए। इट विल नेवर हैपन। फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द थ्रोन्स। के लोग उसे थॉर्न बोलते हैं, के लोग थ्रोन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो सेल्फ लव अपने को करना पड़ेगा। और मैंने जितना टाइम दिया ना, ये जितना टाइम दिया ये सेल्फ लव का टाइम दिया आपको। वरना आप लोग जिंदगी भर यही क्लेम करते रहोगे
कि सर हम लोग फ्रस्ट्रेशन में, हम लोग इरिटेशन में, हमारा कुछ हो नहीं रहा, अब हम क्या करें, हम क्या करें, ये सब बातें चलती रहेगी और साल भर तुम्हारा समय इसी में गुजर जाएगा। सेकंड बात क्या है वो समझो एक बार, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द प्लानिंग टाइम। प्लानिंग टाइम मैं फिर कह रहा हूं, वापस ध्यान से सुन लेना, इसके लिए एक बिल्कुल सेपरेट कॉपी बना लेना भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कॉपी बनाओ मत बनाओ, इसकी बना लेना इस चीज की, वरना अपनी फीस वापस ले जाना, घर पे जाओ सो जाओ आराम से। यहां क्या करोगे, यहां पढ़ गया यार, हम भी क्या पढ़ाएंगे तुमको, घर पे सो आराम से। अगर प्लानिंग नहीं कर सकते ना तुम लोग, तो तुम्हारे यहां आने का कोई मतलब नहीं है। पहला हमने रखा है सेल्फ टाइम, सेकंड रखा है प्लानिंग टाइम, और इसकी फिर रिपीट कर रहा हूं, यू मस्ट हैव ए सेपरेट कॉपी, अगेन रिपीटिंग, सेपरेशन इसका रिक्वायर्ड है, ए टोटली डेडिकेटेड कॉपी, टोटली। एक लड़की है, उसका नाम है बुशरा खान, मैं उसकी और मेरे बीच में जो चैट हुई है वो एक बार आपको दिखाऊंगा। और चैट ऐसी है कि कोई चैट हुई नहीं है, उस लड़की ने डे वन से लेकर आखिरी दिन तक, आखिरी दिन तक नॉन स्टॉप मुझे प्लानिंग भेजी है कि सर मैं आज ये करूंगी, आज मैं ये करूंगी, आज मैं ये करूंगी, आज मैं ये करूंगी। और उसको मैंने 6 मई को मैसेज किया था, फिर उससे पहले कभी मैसेज नहीं किया उसको, 6 मई को मैसेज किया दैट आई हैव बिकम योर फैन। मैं उसको रिवर्ट बैक कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, रिप्लाई कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सी जस्ट सेंडिंग। रोज, मैं लिटरली बता रहा हूं आपको, एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया उसने, एक भी दिन। 607 नंबर आ रहे हैं उसके, अभी 450 नंबर थे पिछली बार, एक दिन छुट्टी नहीं लिया उसने। कई घनचक्कर ऐसे भी हैं, सर हमने आपको प्लानिंग भेजी, आपका रिप्लाई नहीं आया, 5 दिन तक यही मैसेज कर रहे हैं, सर हम प्लानिंग भेजे थे आपको, आप कुछ देखते नहीं हो, आपके पास में इतना टाइम फ्री रहता है, आप क्या करते हो, हमको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, आप किसी काम के टीचर नहीं हो, अरे बड़े तो पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। वो इंसान एक भी दिन कुछ नहीं बोली, एंड कीप सेंडिंग एंड कीप सेंडिंग एंड कीप सेंडिंग एंड कीप सेंडिंग। मैं कई बार जानबूझ के स्क्रॉल करता था चेक करने के लिए कि एक दिन का गैप तो होगा इसकी प्लानिंग में, एंड देयर वाज नेवर। यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब सोचो ना आप, कोई इंसान बीमार भी हो सकता है, लेकिन सक्सेसफुल लोगों के पास बीमार होने का समय नहीं होता दोस्त। अगर आपके पास बीमार होने का समय है तो इसलिए आया है क्योंकि आपके पास में सेल्फ टाइम नहीं था। बीमार वही होते हैं जिनके पास खुद के लिए समय नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बीमार होने का समय नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा, उनके लिए 2-3 दिन भी बहुत ज्यादा कीमती है। उनके 2-3 दिनों से 3-4-5 लाख लोगों की जिंदगी अफेक्ट हो सकती है। कई लोग तो ये सपने में सोचते हैं कि 7 मई को पेपर है, काश बीमार हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए कि बस नहीं देना पड़े पेपर। बीमार होने का समय उसके पास नहीं होता है जिसके पास में सेल्फ टाइम होता है, और सक्सेसफुल लोगों के पास में नहीं होता। एक डेडिकेटेड कॉपी, और उसमें करना क्या है वो एक बार देख लो, DWR। ये डेली बेसिस पर लिखना है, या डी का मतलब है व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया, व्हाट आई विल, कल मैं क्या करूंगा, और व्हाट आई रिग्रेट, आज मैंने ऐसा कौन सा कांड किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था,
ऐसा होता है ना, कई बार अपन कांड कर देते, व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया, व्हाट आई विल, कल मैं क्या करूंगा, व्हाट आई रिग्रेट, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसकी एक सेपरेट कॉपी बना ले, तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये हैबिट पड़ गई तो तुम्हारा एक भी दिन खराब नहीं होगा। और जिस इंसान का एक भी दिन खराब नहीं होता है, उसकी जिंदगी कभी खराब हो ही नहीं सकती। जिंदगी दिनों से ही बनी हुई है। आपका अगर हर दिन प्रोडक्टिव है, आप हर दिन कुछ ढंग का कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होना है, कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सब कुछ अच्छा ही होना है, सब कुछ प्रोडक्टिव ही होना है। और इस चीज को ध्यान रखना, जब आप व्हाट आई विल मेंशन करते हो, तो उसमें इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि इसमें आपकी एफिशिएंसी मात्र 70% आएगी, जैसा मेरा मानना है। हो सकता है शुरू में बहुत जबरदस्त आए, क्योंकि कुछ काम होता ही नहीं है शुरू में, है ना। शुरू में हो सकता है 100% आए। काम क्या था? बोले सर ने बोले 3 फॉर्मूला लिख के लेके आने। बोले कौन कौन से? बोले वी इक्वल टू यू प्लस 80, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस, है ना। तो व्हाट आई विल में लिख लिए 3 फॉर्मूला और खुश हो रहे हो। सर ने बोला था 70%, मेरी एफिशिएंसी 100% है। और जब कोर्स आता है स्पीड पे, तब एफिशिएंसी पहुंच जाती है 30-40%। तो इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना है, इसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है कि भाई व्हाट आई विल में जो मैंने मेंशन की थी चीजें, कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने मेंशन की थी, तो उसको नेक्स्ट डे फिर मेंशन करना है कि मैंने 6 बातें लिखी थी और 6 में से मैं 4 ही कर पाया। तो 2 बातें आपकी नेक्स्ट डे की प्लानिंग में होनी चाहिए। तुम ये कर सकते हो, और टाइम टेबल रोज बनना है इससे। टाइम टेबल इज नॉट ए सिंगल डे टास्क कि बना लिया एक बार और निकल लिए यहां से, उसके बाद में कोई साथ निभाना साथिया देख रहा है, कोई बालिका वधू देख रहा है, कोई प्रतिज्ञा देख रहा है, आईपीएल का मैच देख रहा है, बन गया टाइम टेबल इनका। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है भाई, विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है, इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर एनालिसिस नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक और बात बता देता हूं, यहां देख लेना एक बार, इस फिजिकल डेवलपमेंट में देख लेना, ये हर साल का नाटक है तुम लोगों का। मैं सारे नाटक दूर करना चाहता हूं आज यहां पर। जो लोग बाहर से आए हैं या फिर जो अजमेर के हैं जो या जो आसपास के हैं, वो भी ध्यान से सुन लो इस चीज को। अक्सर तुम लोग यही शिकायतें करते रहते हो कि सर खाना अच्छा नहीं लग रहा है। सर मेरे से हर वो स्टूडेंट आके शिकायत करता है जिसका रैंक पीछे आ रहा है। सर वो मैथ्स वाले अंकल की एक तरफ की मूछें छोटी है सर, ये शक्ल देख के मजा नहीं आता सर। सर वो पीजी वाली आंटी बहुत मोटी है सर, मेरे को नहीं रहना ऐसी पीजी में, आंटी इतनी मोटी है सर। क्या मतलब ऐसी पीजी का? सारी जगह तो वो घेर लेती है, हम कहाँ रुके घर में। और ऐसी पता नहीं कई बातें करते रहते हैं आप लोग। अगर कहीं देखो, मैं ये मान लो हफ्ते में कम से कम 2 दिन, कम से कम 2 दिन मैं शहर से बाहर रहता हूं, मतलब 2 दिन क्लास नहीं होगी हमारी, ये प्लानिंग ये कर रहे हैं पहले। मैं हफ्ते में 2 दिन बाहर रहता हूं और मुझे खाने को लेकर कोई शिकायत नहीं है। मैं 30 सेकंड में ब्रेकफास्ट करता हूं, 35 सेकंड में लंच करता हूं और 30 सेकंड में डिनर करता हूं। ये मेरा खाने का तरीका। हंस रहे हो कि लोग क्या बकवास बातें करते रहते हो सर, बट दिस इज द ट्रूथ।
आप इस चीज को समझ लेना एक बार कि आप लोग अपनी डाइट में, क्योंकि ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा ना, कि आप रात को थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स भिगो लो, वो ले आओ। ये शिकायतें मत कर, आज तो आलू की सब्जी बनी थी उसमें वही कसूरी मेथी की स्मेल आ रही है, रोज कसूरी मेथी कसूरी मेथी कसूरी मेथी खा के तंग आ चुके हैं हम लोग, है ना सर, वही रोटी है सर, वही आलू की सब्जी, नहीं सर, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो यू फाइंड द अल्टरनेट ना। एक घर में जिसमें 5 लोग फूले हुए हैं, उसमें छठा इंसान फिट हो सकता है अगर वो चाहे तो। ऐसा होता है नहीं होता क्या? होता है, इस डिजायर, क्योंकि 6 में से 5 लोग छोले भटूरे खा रहे हैं, खा रहे खा रहे, अब छठा नहीं खा रहा है, उसकी इच्छा है, इज प्लानिंग फॉर हिमसेल्फ। तो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। एक घर में भी फिट और अनफिट लोग रह सकते हैं साथ में, जबकि वो सेम माहौल में है, तो ऐसे हॉस्टल में पीजी में भी रह सकते हैं। थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स आप लेके आओ, प्लस जो बीन्स होते हैं, जैसे उसमें चना और मूंग आते हैं ना, चना और मूंग, ये तुम लोग ले आओ 2-2 किलो, थोड़ा बहुत इनको भिगो दिया करो और सुबह खा लिया करो। लेकिन नहीं, हमको शिकायत करनी है। और चावल तो उबले हुए दुनिया के हर स्टेट में एक जैसे ही मिलते हैं या डिफरेंट वेरिएशन वाले मिलते हैं, लेकिन नहीं, शिकायत करनी है बस, हम तो शिकायत करेंगे सर, वो आज मेज वाले अंकल गंजे होके आ गए, माथे में बाल नहीं थे उनके, और 1-2 बाल हमारी सब्जी में मिले हमें, ये कोई अच्छी बात ही थोड़ी ना है सर, बाल बाद में कटवा सकते थे हमारे जाने के बाद भी, क्यों कर रहे हैं ऐसा मेज वाले अंकल? ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं मेरे पास में बच्चे, समझ के बाहर है वो। तो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और गुड फैट्स मिलेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं, वेरी इसेंशियल, और दिस इज द सोर्स ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन, तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, 2 घंटे शिकायत में बिता देंगे, लेकिन आधा घंटा मार्केट जाके खरीद नहीं सकते ये। कई लोग तो 10 10 दिन से शिकायत ही करते रहते हैं, आज खाना फिर बेकार था, तो इसके ऊपर एक किताब लिख सकते हैं वो, खाना कैसा आया, कैसे बना, और पता नहीं क्या क्या। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? व्हाट आई डिड में कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स होने चाहिए, व्हाट आई विल में ज्यादा होनी चाहिए, मेरी इच्छा होनी चाहिए कि और ज्यादा करें, और व्हाट आई रिग्रेट, ये नियरली 0 की तरफ लेके जाना है। कई लोगों के व्हाट आई डिड में 1 पॉइंट होता है, व्हाट आई विल में खाली पड़ा होता है, व्हाट आई रिग्रेट में 10 पॉइंट लिखे होते हैं, कि आज मैंने ये कांड कर दिया, फिर ये हो गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो मैक्सिमम यहां पर होने चाहिए, इसको मिनिमम रखना है। आगे चलते हैं अब एक बार, इसकी सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, दुनिया का हर एक इंसान पेन और पेपर से बनता है, अगर वो महान है तो। तुमने पढ़ना सीखा, तुमने लिखना सीखा, और तुम खुद के लिए नहीं लिखते हो, सोचो तुम कितने बड़े मूर्ख हो। आज तक तुमने लिखा सिर्फ 2 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए, और तुम मर गए, ये तुम्हारी जिंदगी रही? कभी खुद के लिए लिखा तुमने? अगर तुम खुद के लिए नहीं लिख रहे हो, तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें खुद के लिए लिखना सिखा रहा हूं कि खुद के लिए कैसे लिखते हैं, खुद को कैसे ठीक करते हैं। मर जाओगे ऐसे नंबरों के लिए लिखते रहोगे तुम, सबसे गरीब इंसान तो तुम ही हो। आज तक लिखे हो तो 1 नंबर के लिए, आधे नंबर के लिए, बोर्ड के टॉपर बन गए, वाह बहुत बढ़िया, अब क्या करें? 10वीं क्लास में 10 CGPA है हमारे, चांद पे ले जाएं तुम्हें, वहां जाके मेडल पहना है, वो 10 CGPA ले गया बच्चा, बहुत बहुत एडवांस बच्चा है। खुद के लिए लिखो, टाइम टेबल वो नहीं होता जो आपको दूसरा लिख के दे दे। तुम लोग टिप, एक तो इतने बेवकूफ लोग भरे पड़े हैं यहां पर, अभी देखना नीट का रिजल्ट आएगा और कोई फर्स्ट रैंकर कहेगा मैं शमशान के बाहर जाके पढ़ता था,
वो भैया शमशान के बाहर पड़ते थे, फिर वो बाद में बोलेगा मेरा घर शमशान के पास में था। ऐसे बेवकूफ लोग हैं जिसको फर्स्ट रैंकर ने कुछ बोल दिया, सेकंड रैंकर ने कुछ बोल दिया, भैया ने ऐसे बोला, और भैया का तभी टॉप रैंक आया, ये भूत से एक्स्ट्रा क्लास लेते थे उधर शमशान के बाहर, कोई चुड़ैल लाते थे इनको पढ़ाने केमिस्ट्री, पक्का पढ़ाया इनको कुछ ना कुछ। ऐसी बातें होती है। तुम्हारा टाइम टेबल तुम्हारे अलावा कोई नहीं बना सकता दुनिया में, तुम ही बनाओगे और तुमसे बेहतर कोई नहीं बना सकता, बाकी सब झूठ है। अभी 1-1.5 महीने बाद कहीं मेड में आ जाएगी काली काली टी शर्ट पहन के, हेलो बच्चों देखो हमें क्या करना है, आधा घंटा डीपीपी सॉल्व करनी है, फिर 1 घंटा बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर 1 घंटा आधा घंटा प्रैक्टिस करनी है, ओके बच्चों बाय गुड नाइट। ओ बच्चों यस मैडम सही कह रहे हो मैडम। अरे क्या खाक सही कह रही है मैडम, मैडम को पता ही नहीं आज तक एग्जाम क्रैक किया होता तो ध्यान होता मैडम को। मैडम यू आर ट्रू मेंटर मैडम, मैडम हम बस यही तो सुनना चाहते थे, हम नाउ वी आर मोटिवेटेड मैडम, अब हम फोड़ देंगे। अंडरस्टैंड दिस, योर टाइम टेबल इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इफ यू डोंट प्लान योर डे, अदर्स अराउंड यू आर प्लानिंग टू डिस्ट्रॉय योर डे। तुम्हारे आसपास के दोस्त प्लानिंग कर लेंगे उसको बर्बाद करने की, अगर तुम्हारे पास में प्लानिंग नहीं है तो। और एक बहुत फेमस कहावत है, दैट एन इडियट विद अ प्लान कैन डिफीट ए जीनियस विदाउट द प्लान, सो दिस इज अ प्लान। और आपको लिखना पड़ेगा, आपको पेन चलाना पड़ेगा, ऐसे हवा में सिलेक्शन नहीं होता है। और मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी हुआ, लेकिन तुम कुछ ऐसा सीख जाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बनाएगा। कई लोगों की जिंदगी में दवाओं दवाओं के खर्चे 60-70 लाख हो जाते हैं, बोले लीवर भी खराब हो गया था वो ट्रांसप्लांट करा, फिर किडनी भी चली गई थी वो भी ठीक कराई, से टायर का पंचर बनवाते हैं ना वैसे ट्रीटमेंट चलता है उनका साल भर, 1-1.5 करोड़ तो इसी चीज पे खर्च हो जाता है उनकी मेंटेनेंस पे ही। बोले हाँ वो पेंक्रियाज भी काम नहीं कर रहा था, उसको भी फिर धो धोआ के अंदर डाला वापस, बाहर निकाला धोया थोड़ा सा। तो आपकी हेल्थ के ऊपर आपको काम करना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी एसेंशियल थिंग, दैट इज वेरी एसेंशियल थिंग, अदरवाइज इट्स सेंसलेस। नेक्स्ट चीज देखिए एक बार आप लोग, नेक्स्ट द प्रैक्टिस टाइम। हर एक स्टूडेंट को हर एक दिन प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करना है। और इस साल से मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये माइक लोग भी नहीं चाहते कि मैं कुछ बोलूं मैं कुछ लिखूं, ये भी चाहते हैं कि क्लास खत्म हो जाए और ये रोज का नाटक है इनका, मैं 2-4 चांटे मारूंगा इनके, बहुत हो गया इनका नाटक। आसपास जो बच्चे बैठते हैं इनकी जिम्मेदारी है, इनके ऊपर वाला माइक चिल्लाया तो इनके चांटे पड़ेंगे, ये भी चिल्लाएंगे फिर, है ना, फिर उसको पकड़ लो, बोले क्यों चिल्ला रहे है ना, हंस रहे हो यार तुम लोग, भाटा वाटा लेके आया करो जेब में रख के, और जब चिल्लाते खींच के मारो एक, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस टाइम में देखो, देखो सबसे पहले इस बार विशेष तौर से ध्यान रखना, हमें जेई मेन के क्वेश्चंस करने, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, दिमाग में सेट कर लेना इस चीज को, बिना किसी सेकंड थॉट के। अब वो जमाना नीट में जा चुका है कि जब नीट के पीवाईक्यूज करके सिलेक्शन हो रहा था, अब नहीं होगा, वी हैव टू प्रैक्टिस द टफ थिंग्स। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वी हैव टू इन्वेस्ट, एक तो कई लोगों को क्या मानना है, जैसे उनको बोल दो ना कि तू नीट की तैयारी कर रहा है, बोले हाँ नीट की तैयारी कर रहा हूं, और किसी भी नीट की तैयारी करने वाले बच्चे को आप जाके देख लो, वो 24 घंटे वो बायोलॉजी के एनसीईआरटी निकाल के पेज पलटता रहता है उसके,
पेन नहीं चलाएगा, पेज पलटता रहेगा। जब तक आप टफ सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपका स्मूथ रिजल्ट नहीं आता। तो हमें यह समझ लेना है कि प्रैक्टिस का मतलब ही टफ सब्जेक्ट में इन्वेस्टमेंट से है, और आपको टफ सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। थ्री रेस टू टू रेस टू टू 322, 7 घंटे अगर पढ़ रहे हो, 3 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायोलॉजी, बायोलॉजी का थोड़ा सा कम कर सकते हो, 1.5 घंटा भी कर सकते हो, चल जाएगी। लास्ट टाइम में बायोलॉजी पढ़ते हैं वैसे, क्योंकि मेमोरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, भूल जाते हैं बार बार, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिक्वायर्स प्रैक्टिस। 7 घंटे में से 3 घंटे पढ़नी है फिजिक्स। अगर तुम्हारी अच्छी है तो अच्छी बात है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब कई लोग कहेंगे कि सर पता है दिक्कत कहाँ आती है, ये पता है टाइम टेबल क्यों फॉलो नहीं होता लोगों से। जैसे किसी भी टेस्ट में 2 हफ्ते होते हैं, 2 हफ्तों से टेस्ट होता है, तो एक तो प्री टेस्ट वीक होता है ना, जिस हफ्ते टेस्ट होना है उससे पहला वाला हफ्ता, उसमें कोई पढ़ता ही नहीं है। अभी तुम लोग को मेरी बात पे हंसी नहीं आएगी, बाद में आएगी, उसमें कोई पढ़ता ही नहीं है। फिर टेस्ट वीक आ गया, अब पढ़ना शुरू करेंगे, कब से? बृहस्पतिवार से, थर्सडे से। मंडे ट्यूसडे वेनसडे नहीं पढ़ेंगे, थर्सडे से, इज्जत बचाने के लिए। कि अब ऐसा क्या करें कि कम से कम पढ़ें और मैक्सिमम नंबर आए और इज्जत भी बची रहे घर वालों की नजर में। कहाँ है मेरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी? अब पढ़ना शुरू हो जाते हैं बस। तो इज्जत बचाने के लिए मत पढ़ना, आप रियलिटी में अपनी नॉलेज के लिए, अपने इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ना चाहते हो तो आपको नॉन टेस्ट वीक में भी शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, और 3 घंटे फिजिक्स के, 2 घंटे केमिस्ट्री के, और 2 घंटे बायो के। ये वेरी कर सकती है चीज भाई। मैं टोटल 3 घंटे ही पढ़ता था, मैं 7 घंटे नहीं पढ़ता था। और मैं खाने की बात कर रहा था अपने की, मैं जो भी खाना खाता हूँ सारा पीस के खाता हूँ, मैं चबा के नहीं खाता हूँ खाना। 3 बोतल भरता हूँ रोज पीस के, एक सुबह की, एक दोपहर की, एक शाम की, और पी जाता हूँ खत्म। और मुझे रोटी खाए हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया है, चावल खाए भी पता नहीं कितना टाइम हो गया है, दलिया मैं पीसता हूँ, साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट पीसता हूँ, थोड़े बीज पीसता हूँ, फ्रूट्स पीसता हूँ थोड़े से, और थोड़ा सा प्रोटीन पीसता हूँ, और पी जाता हूं मैं। बस मेरी बोतल चलती है, 3 बोतल खत्म, 30-40 सेकंड लगते हैं उसमें। ऐसा तो नहीं तुम्हारे तो 4 रोटी लेके बैठ गया, चबा चबाए खा रहे हैं। कितनी बार? 32 बार चबाना चाहिए, 56 बार चबाना चाहिए, और उसमें रात होगी, दोपहर से खाना शुरू हुए थे। 7 रोटी लेके बैठे हैं, और एक कोर को कम से कम 32 बार तो चबाना चाहिए। 2:30 बजे बैठे, 5:30 बज गए, फिर डिनर का टाइम हो गया, चबाए जा रहे हैं बस सुबह से शाम तक। तो 3:2:2:2, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, प्रैक्टिस में इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। एक और चीज ध्यान रखना कि जब भी हम लोग प्रैक्टिस करें तो एक स्टार मार्किंग टेक्निक होती है, जिस क्वेश्चन में हम लोग फंस रहे हैं स्टार मार्किंग, जहां जिस क्वेश्चन में आप लोग फंस रहे हो, आपको लग रहा है कि यार यहां पर मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब थोड़ा सा डाउट आया, या मल्टीपल अटेम्प्ट लगे, है ना, एमए मल्टीपल अटेम्प्ट लगे, या थोड़ा डाउट आया, या फिर टीचर की हेल्प लेनी पड़ी, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर लेना है। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को ही विशेष तौर से अपने को देखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज करनी है, क्वेश्चन रोज सॉल्व करने। एक और चीज ध्यान रखो, जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो 1 बाय 1 मत करो, इस सीक्वेंस में करो कि मैं पहले 1 से 10 तक के सवाल सॉल्व करूंगा, उसके बाद एक साथ उनके आंसर देखूंगा और अपने आंसर की को मैच करूंगा। तुम लोग पता क्या करते हो, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जाके आंसर देखते हो, और दूसरे का पहले से देख के आते हो साथ में, ठीक है ना। मतलब तुम्हारा अल्टीमेट गोल जो सॉल्व किया उसका आंसर देखना नहीं होता है,
अगले वाले का तुम देख के आते हो एडवांस में कि इसका तो ऑप्शन बी ही निकालना है चाहे जो हो जाए। अरे मैं सॉल्व कर रहा हूं, मेरे तो सी आ रहा है, लेकिन अब तुम आंसर चेक नहीं करोगे, तुम आंसर तो पहले से ध्यान है तुम्हें, तुम कैलकुलेशन चेंज करोगे कि आना तो बी ही चाहिए, पीछे लिखा हुआ है। चलो ठीक है, बी मान लेते हैं बी नहीं आया, बी मान लेते हैं ठीक है। अब तीसरा सॉल्व करते, देख फिर वापस चेक करोगे एक बार, देखिए दूसरे का बी है क्या, अब तुम्हें पता था बी है लेकिन तुम वापस गए हो, अब तुम्हें पता ना क्या चेक करने गए हो तुम, हाँ तीसरे का आंसर चेक करने गए हो तुम, ये तीसरे का आंसर क्या है ना उसका ध्यान रखना है। तो हमें एक बार में इस तरीके सॉल्व करना है, खुद के आंसर की क्रिएट करनी है कि एक का आंसर ए है, सी है, बी है, डी है, जो भी है, और फिर उसको मैच करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अपने प्रैक्टिस टाइम आपका होना चाहिए डेली बेसिस पर एटलीस्ट आपको 2.5 घंटे प्रैक्टिस में ही गुजारने हैं भाई रोज, और मैं तो कहूंगा अगर आप 3 घंटे 20 मिनट रोज गुजार सकते हो तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि शुरू में नहीं हो पाएगा बट समय के साथ इट विल बी पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल। तो सेल्फ टाइम है, प्लानिंग टाइम है, ये रात को सोते वक्त लिखना है। जिस इंसान को रात को सोते वक्त ये नहीं पता होता है या सुबह उठने के बाद ये नहीं पता होता है कि वो क्यों उठा है, उसके सुबह उठने का कोई मतलब नहीं है, है ना। तो ये रात को सोने से पहले गोली नहीं है सर, दूध के साथ लेनी है क्या, ये रात को सोने से पहले आपको लिखना है। सुबह उठ गए आपको पता ही नहीं क्यों उठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके उठने से, आपके जैसे बहुत सारे घन चक्कर भाग रहे हैं यहां से वहां, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। तो अंडरस्टैंड दिस, आखिरी चीज क्लास टाइम। देखो जितनी बातें मैं बता रहा हूं ना, हो सकता है वो सुनने में आपको बहुत सुहानी लग रही हो, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत रहेगी आपको, ये आसान काम नहीं होगा इन चीजों को एग्जीक्यूट करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका क्लास टाइम। क्लास में आपका सिग्निफिकेंट टाइम बीतेगा आपको पता ही है, अभी भी बीत रहा है, और तकरीबन तकरीबन 6 घंटे के आसपास आप लोग डेली बेसिस पर क्लास में रहोगे, क्योंकि हमको 2 साल का सिलेबस कवर करना है इसमें, तो 6 घंटे आप लोग क्लास में रहोगे। हर क्लास से पहले अपने आप को मेंटली तैयार करना है कि मैं इस क्लास में पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, पूरी कंसंट्रेशन से। अगर तुम अपने दिमाग को बोलते हो कि मैं इस क्लास में पूरी एकाग्रता के साथ में, पूरे ध्यान के साथ में, तन्मयता के साथ में पढ़ूंगा, तो आपका दिमाग कंसंट्रेट करता है, और तुम ऐसे रैंडमली बैठे हो, बहुत पंचायती ठोक रहे हो, मास्टर तुम्हें आगे चुप करा रहा है, 2-4 के चांटे मार रहा है, तब जाके क्लास चुप हो रही है, फिर क्लास को पढ़ाना शुरू किया, तो ऐसे टापरों की क्लास का कोई मतलब थोड़ी ना है। एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस, एक्सट्रीम एकाग्रता, असीम एकाग्रता जब तक हासिल नहीं होगी कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। और पढ़ाई का मतलब और क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये सब, बिकॉज वी हैव टू प्रैक्टिस द कॉन्सेंट्रेशन। हम यहां कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस करने आते हैं, घर पे डिस्ट्रैक्शंस की प्रैक्टिस होती है इसलिए यहां आके हम कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं। अभी तुम चाहकर भी फोन नहीं देख सकते, तो दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और हमारा ब्रेन प्रैक्टिस का प्रोडक्ट है। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करने लगे कि तुम 2 मिनट में 5 मिनट में फोन देख रहे हो, तो तुम्हारा ब्रेन उस टाइम को भी कम करेगा कि 5 मिनट बाद में देख रहा है, क्यों 30 सेकंड में देखा कर, बार बार तुम्हें फोन देखने को मजबूर करेगा, इट विल बिकम योर हैबिट। दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक वो जो कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरे वो जो डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करने वालों का डिस्ट्रैक्शन होना फिक्स है, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन विनाश होना तय है, और कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करने वालों का कंस्ट्रक्शन होना तय है। तो फ्यूचर का हो सकता है, उनकी लाइफ का हो सकता है, बट वो तय है।
तो क्लास में यू हैव टू प्रैक्टिस असीम एकाग्रता। मैं फिर कह रहा हूं, यहां आके दोस्ती बना के, ऐसा नहीं है कि ये तो मेरी फ्रेंड है, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और बैठे उनके साथ तो पंचायती ठोक रहे हो, तो तुम्हारा दोस्त क्लास में तुम्हारा दुश्मन है। गलती से मत बैठ जाना अपने दोस्त के पास, बर्बाद हो जाओगे, आपस में डिस्कस करते रहोगे, टीचर क्या बोलेगा सुनोगे नहीं कभी, तो मेन कॉन्सेप्ट तो निकलते जाएंगे तुम्हारे। कंफर्ट हमेशा अवॉइड करना चाहिए, कंफर्ट अवॉइड होना ही चाहिए। हमने पढ़ा है ना हमेशा, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। कैसे बाहर आओ, कहाँ है कंफर्ट जोन, कैसे बाहर आए उससे? कंफर्ट जोन की शुरुआत तो यहीं से होती है, तुम दोस्त के पास में बैठे हो, कंफर्ट जोन में बैठे हो, दुश्मन के पास में बैठे हो तो तुम कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हो, क्योंकि तुम दुश्मन को इग्नोर करोगे, जिससे जिससे तुम्हारी बात नहीं होती, अच्छा मेल मिलाप नहीं, उसको इग्नोर करोगे तो तुम्हारा ध्यान टीचर की तरफ जाएगा, ये कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। रात को सोने से पहले तुम्हें पता है ना सर कि मैं क्या करूंगा, तुम कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। तुम टफ सब्जेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। तुम जेई के सवाल भी सॉल्व कर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। तुम फिजिकल डेवलपमेंट के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। प्राणायाम कर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाकर मेमोराइजेशन कर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। और क्या, यही तो होता है, ये सब कंफर्ट जोन से बाहर आने के तरीके हैं। कोई हवन नहीं करना पड़ता इसके लिए, कि हवन करेंगे फिर धुआं उठेगा, फिर ऊपर कंफर्ट जोन बनेगा, फिर हमें हेलीकॉप्टर लेके उसको क्रॉस करना है, हम कंफर्ट जोन से बाहर आ गए ना, ये सब नहीं करना होता है। दीज आर वेरी सिंपल टेक्निक्स। और दोस्त भी इसी काम के हो जिनकी खोपड़ी चलती हो। और बता, टिफिन में क्या लाया आज? अच्छा, सैंडविच है। इन सर को जाने दे एक बार, रुक अभी निपटाते हैं उसको। और ये प्लानिंग चल रही है पूरी क्लास में, यू विल बी लॉस्ट। एक और चीज ध्यान से देख लो, जो भी तुम्हें टीच किया जा रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उस कंटेंट को आपने सबसे पहले लिखा है, लिख लिया उस कंटेंट को जो टीचर ने आपको पढ़ाया, उसको थोड़ा सा रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि उस कंटेंट में चार पांच की पॉइंट्स हैं जो हमारे काम के हैं, 4 to 5 key points जो हमारे काम के हैं, उनकी समरी बनाओ। और समरी बनाने के बाद में इसी कंटेंट को आपको बार 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 मेमोराइज करना होता है। मतलब हर क्लास के बाद में आधा पेज कॉपी का आपको अपने दिमाग से भरना है। ऐसा नहीं कि टीचर गया, और कई लोग तो इतनी तेज कॉपी बंद करते हैं, गया माता फोड़ी खत्म, होता है कि नहीं होता ऐसा, फट से कॉपी बंद करते हैं, वहीं तुम्हारे फ्यूचर के सारे गेट बंद हो गए हैं। अरे तुम यहां से तैयारी करके अगर गए और 100 register लेके गए घर पे, तुम्हारे ताऊ का सिलेक्शन नहीं होगा, पूछ लेना ताऊ जी को। कंटेंट मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। अगर आपके टीचर्स ने कोई कंटेंट 2 page में लिखा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आधे पेज में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि हमारा ब्रेन लिमिटेड कंटेंट स्टोर कर सकता है, लिमिटेड कंटेंट। समराइजेशन करना कंटेंट का बहुत जरूरी है। अगर हमें 2 page पढ़ाए तो उसको आधे पेज में कन्वर्ट कर लो, 4 से 5 line में कन्वर्ट कर लो। अगर हमें 40 page में चैप्टर पढ़ाया गया, लास्ट में वो 3 page में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, 3 page में, 4 page में, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा कि हाँ इसकी मेरी समरी रेडी है, अब मैं कॉन्फिडेंट हूं, चैप्टर मुझे याद है, मैं परफॉर्म कर सकता हूं उसमें। उस हर चैप्टर में तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा जिसकी तुम्हारी समरी बनी हुई है।
जिस चैप्टर की समरी बनी हुई है उसमें तुम कॉन्फिडेंट रहोगे। देखो नोट्स, कंटेंट, किताबें दुनिया में अथाह भरी पड़ी है, जब तक तुम पेन से नहीं लिखोगे, पेन से समरी नहीं बनाओगे, तुम्हारा किसी केस में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, किसी केस में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तुम्हारा। दिमाग में सेट कर लेना इस चीज को कि आधा से अगर टीचर ने हमें 2 पेज पढ़ाए तो आधा पेज खुद भरना है। 4 से 5 लाइन निकालनी है उस लेक्चर में से कि ये काम की बातें हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। बाद में ढूंढते रहते हो, कोई हमें कॉन्सेप्ट मैप दे दे, कोई हमें निचोड़ दे दे, कोई हमें समरी दे दे, इसको रट लें, ये फॉर्मूला रट लें, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता उससे। तो ये काम आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इसके बिना कुछ होना जाना नहीं है। 6 घंटे यहां पर टाइम पास करके चले गए और उसके बाद में घर पे जाके 3 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल सेट किया हुआ है, वो तुम कर रहे हो तो कुछ होगा क्या तुम्हारा? तो क्लास में हद कंसंट्रेशन होना चाहिए, और हद कंसंट्रेशन तभी हो पाएगा जब तुम लोग फिजिकली फिट हो, तुम एक्सरसाइज करके यहां आ रहे हो, कुछ ढंग का खा के आ रहे हो, मेंटली फिजिकली तैयार हो, तब तुम कंसंट्रेट कर पाओगे। कंसंट्रेशन की पहली शर्त यही है, दिमाग को ग्लूकोज चाहिए लगातार, तभी कंसंट्रेट कर पाता है। तुम्हें भूख लगने लगेगी, तुम कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो सुना होगा आप लोगों ने कि खाली पेट भजन नहीं होते। क्यों नहीं होते? भजन में कंसंट्रेशन चाहिए। खाली पेट होगा तो कंसंट्रेशन कैसे बनेगा? यू डोंट हैव ग्लूकोज एनफ इन योर ब्रेन। तो हमें समझ लेना है दैट RRSM ये कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं। आपने रीड किया जो सर ने पढ़ाया, उसको रिवाइज किया, उसको समराइज किया, ये आपका टास्क है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। और फिर ये उससे बड़ा टास्क है मेमोराइज करना। ये काम करोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये आपका टाइम है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एक सेल्फ टाइम होता है, एक प्लानिंग टाइम होता है, एक प्रैक्टिस टाइम होता है, एक क्लास टाइम होता है। ये सब मिलके एक टाइम टेबल बनाते हैं। अगर तुम्हारी गलतफहमी है कि 2 से 3 फिजिक्स पढ़ूंगा, 6 से 8 केमिस्ट्री पढ़ूंगा और 8.5 से 10.5 बायोलॉजी पढ़ूंगा, इसको टाइम टेबल बोलते हैं, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ ना आज तक पैदा हुआ है ना होगा। और मुझे तो ये भी पता है, मैंने तो ये भी देखा है, कई मास्टर लोग भी टाइम टेबल का मतलब यही समझते हैं, 4 से 5 फिजिक्स, फिर 6 से 8 केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, बाकी टाइम। तो हमें हमारी जिंदगी में, और कोशिश करना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोशिश करना कि जो सेल्फ टाइम है ना, ये सेल्फ टाइम ये अर्ली मॉर्निंग ही आ जाए तो बढ़िया है। कई लोगों को बिल्कुल ही दिक्कत है, अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल नहीं उठेंगे, तो आप इवनिंग में भी ये सब काम कर सकते हैं, बट मेरी सलाह ये होगी कि सुबह ये काम करें, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग राइजर्स जो होते हैं ना, उनको स्ट्रेस डिप्रेशन बहुत कम होता है भाई, स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं होता, आंखें खराब नहीं होती। अब तुम लोगों ने 2 किताब आज तक पढ़ी नहीं है और चश्मे लगाए बैठे हो से 50-50 किलो के, कितना पढ़े हो तुम बताओ मुझे सच सच? आज एक्टिंग करवा लो बस, तुम्हारा जितना वजन है ना उससे ज्यादा वजन की किताब पढ़ते हैं MBBS में, हमारे नहीं लगा चश्मा अभी तक, और रोज पढ़ता लिखता हूं। अभी भी जब तुम्हारे सामने टाइम टेबल लेके आया तो उससे पहले खुद लिख के लेके आया पूरा कि उनको क्या बोलना है आज, 2 चीज लिखते नहीं और आ गई है लगा लिए बस। सेल्फ इंप्रूवमेंट पे पूरा ध्यान देना है, इसके लिए सुबह जल्दी उठना। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि मुर्गे से पहले उठ गए, अरे आसपास मुर्गा बोलता है 4 साढ़े 4 बजे जब भी बोलता है 3:30 बजे उठ गए और अंधेरी रातों में घूम रहे हो और गाना गा रहे हो, शहनशाह तो अंधेरी रातों में निकलता है, हम शहनशाह है, ये हरकतें भी नहीं करनी अपने को। एक्सट्रीम कभी फॉलो नहीं हो सकता, एक्सट्रीम कभी फॉलो नहीं हो सकता, ये नियम है दुनिया का। लाइफ इज अल्टरनेटिंग करंट, कभी ऊपर जाओगे कभी नीचे आओगे, तो मिड में रहो।
बैलेंस लाइफ चलेगी। तो आप उठने का टाइम आपका रख सकते हो 5:30 से 6 के बीच, या फिक्स 6 बजे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बेस्ट टाइम होता है 5:30 से 6 के बीच उठ जाओ। पता है क्यों बोल रहा हूं? उससे तेज दिमाग नहीं चलता है कि सुबह उठेंगे तो महान बन जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं होता ऐसा। लेकिन हमें हमारा पर्पस याद रहेगा कि मैं क्यों उठाऊं सुबह, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। और कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हारे में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। इस टाइम टेबल को आखिर तक हमें फॉलो करना है, आखिर तक। ये बात समझ में आ जानी चाहिए खुद सबको लोगों को। और इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है, इसके बिना कोई मतलब नहीं इस पढ़ाई का, कोई मतलब नहीं एग्जाम क्रैक करने का। मैं फेक मोटिवेशन नहीं दे सकता हूँ, मेरे साथ में बहुत बड़ी दिक्कत है कि तुम डॉक्टर बन जाओगे तो देखो व्हाइट कोट तुम्हारे ऊपर कितना अच्छा लगेगा। अच्छा मेरे ऊपर लगेगा? इससे पहले लगता ही नहीं था, व्हाइट कोट बेकार था, है ना? कोई पहनता था व्हाइट कोट तो ब्लैक हो जाता था व्हाइट कोट। पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं आजकल लोग बाग यार। तुम डॉक्टर बन गए तो कोई मरना ही बंद हो जाएगा, सारे पेशेंट तुम ठीक कर दोगे। डॉक्टरों से पेशेंट ठीक हो पाते तो कोई मरता क्या? जवाब दो। और टीचरों से लोग सेलेक्ट हो पाते तो सारे होने चाहिए थे। और मां बाप औलाद को सक्सेसफुल बना पाते तो सारी औलादे होने चाहिए थी। और गुरु लोगों को मानसिक रूप से शांत कर पाते, जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, तो फिर तो सभी लोग शांत होने चाहिए थे, सारे हत्या जुर्म अपराध रुक जाने चाहिए थे। सिर्फ खुद की जिम्मेदारी है ये। इस गलत फहमी में मत जीना कि तुम्हें कौन कोई महान बना देगा, कोई सक्सेसफुल बना देगा, कोई ठीक कर देगा। कोई डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा, और तुम डॉक्टर बन के भी किसी को ठीक नहीं कर पाओगे। फिर बता दे रहा हूं आज। तो हम क्यों बन रहे हैं फिर? ये सब क्या चल रहा है यहां पर? तुम क्यों बन रहे हो वो भी बता देता हूं आज, है ना? कई लोगों के दिमाग में भी डाउट होता है कि हम क्यों बन रहे हैं, इतने सारे डॉक्टर है तो सही। बता देता हूं उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन बता देता हूं। देखो मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूं, है ना? जैसे अच्छे टीचर्स की कमी है ना पूरे वर्ल्ड में, वैसे अच्छे डॉक्टर्स की भी कमी है पूरे वर्ल्ड में। क्या वो कमी कभी दूर हो सकती है? कभी नहीं। ऐसे डॉक्टर्स की सख्त जरूरत है जो पेशेंट से ढंग से बात करे, पर्चा फाड़ के ना दे दे, उनको सांत्वना दे, उनको समझाएं कि आप तो बिल्कुल तैयार हैं, आपको दवाई की जरूरत ही नहीं है, फिर भी एक दवाई लिख देता हूं, ऐसा बोल के दवाई लिखे। ऐसा नहीं तू तो मरेगा, 10 दवाई खाना रोज, गया तू गया, खत्म है तू, ऐसा बोल के नहीं लिखना है दवाई। अच्छे लोगों की जरूरत कभी खत्म हो ही नहीं सकती इस दुनिया में, कभी नहीं हो सकती। इस गलतफहमी में मत रहना कि इतने सारे डॉक्टर्स तो बन रहे हैं अब हम क्या करेंगे, 10 भी काम के नहीं उनमें से। इतने सारे टीचर बन रहे हैं तो हम 5 भी काम के नहीं उनमें से। इतने सारे नेता तो हैं, हर गली में नेता है, 2 भी काम के नहीं होंगे उनमें से। बहुत जरूरत है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। कई लोगों को लगता है ना ऐसा, कई लोगों को लगता है कि सर मतलब MBBS करना जरूरी है क्या, बाकी स्ट्रीम्स में स्कोप नहीं है क्या? ये BHMS BAMS होते हैं ये, मतलब ये सब में स्कोप भी तो होता है ना सर। बहुत भयंकर स्कोप है अगर तुम्हारे में सर्व करने की काबिलियत है तो। बाबा रामदेव के पास में कौन सी डिग्री है? सुबह उठ के 3:30 बजे फूंके मारना शुरू कर देते हैं, 8वीं क्लास पास है, शिद्दत है सर्व करने की, सर्व कर रहे हैं, शिद्दत होनी चाहिए आपने। अब मुझे बोला गया था कि आज बच्चों से बात करना और हेलो हाय कर देना, उसमें बच्चे खुश हो जाएंगे। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं क्लास में जा रहा हूं उनको कुछ सिखा के आऊंगा, अदरवाइज क्लास इज सेंसलेस। तो मैंने आपको कुछ सिखा दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करें। यहां पंचायती सुन के चले गए वापस, कुछ नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। तो एक बार सबसे पहले वापस से रिवाइज करते हैं सब लोग, यहां देखना जोर से, सब लोग जोर से बोलेंगे,
टाइम टेबल में सबसे पहला हिस्सा क्या है? इसको जोर से बोलना, बोलते घन चक्रों। जोर से बोलने का मतलब यह है कि जो पास में रोड है उस पर कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा हो गिर जाए। बोले आवाज आई थी ऐसा लगा भूकंप आ गया, मैं तो वहीं गिर पड़ा। ठीक है ना, वापस देखो सब लोग। और इस क्लास में जब तुम लोग बैठे रहते हो, दो तीन मेरे नियम है बता देता हूं मैं तुम लोगों को, है ना। अभी याद आया मुझे, मेरी क्लास में पानी नहीं पीना है, सबसे पहला नियम। ठीक है ना। दूसरी बात, जब मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, मैं पानी नहीं पी रहा हूं, तुम अलग मजा ले रहे हो थिएटर का। हाँ और बताओ सर, पॉपकॉर्न है क्या? हाँ बढ़िया चल रहा है क्लास, बढ़िया मजा आ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, उदास नहीं रहना है, सूंस होके बैठ रहते हो। मुझे सूंस लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। सूस मतलब समझते हो? बिना मतलब फ्रस्ट्रेटेड लोग, कि हमारा कब कब क्या होगा, कब क्या होगा। उदास लोगों का कभी कुछ नहीं होता, वो सूरदास बन जाते हैं। तो सूरदास तो खैर महान व्यक्ति थे, तो क्या ही बोले उनके लिए। खुश रहना है, यहाँ पे एक्टिंग कर लो। चलो मुस्कुराने की एक्टिंग करो सब लोग। मुस्कुराने की एक्टिंग करनी पड़ती है, फिर मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है लाइफ में। आधे लोग डरते हैं कि हम हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। लोग इतने फ्री नहीं है तुम्हारे लिए सोचते रहे 24 घंटे, बेवकूफ नहीं के। चलो मुस्कुराओ सब लोग, अरे ढंग से मुस्कुराओ सब लोग। एक मुस्कुराहट जो है ना, स्माइल, दैट रिप्रेजेंट्स कॉन्फिडेंस। और मैं आपको बोल रहा हूं मुस्कुराने के लिए, तो सोचो मैं किस लेवल पे हूं कॉन्फिडेंस में। हाँ तो मुस्कुराओ सब लोग, शुरू हो जाओ। दांत नहीं निकालना, चाटा मारूंगा। मुस्कुराने और हंसने में डिफरेंस होता है, तुम लोग को ये पता नहीं चल रहा है अभी तक। चलो बताओ, सबसे पहले मैंने क्या बोला इसमें? टाइम। सबके वायर में करंट टाइम पे फ्लो होनी चाहिए, है ना। इतना लैग कैसे आ रहा है करंट का भाई? है इलेक्ट्रॉन किसी के स्लो चल रहे हैं, किसी के धीरे चल रहे हैं, क्या हो रहा है ऐसा है? एलसीआर सर्किट वर्किट पता नहीं कौन से होते हैं, मुझे नहीं पता, तो मैं भूल भाल गया अब तो। जो भी है, अब हाँ सबसे पहले क्या है? दो चार ऐसे बोलेंगे फेफड़े बाहर आ जाएंगे अभी। मेरा मतलब था कि क्लास में सब लोग एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बोले, है ना। मेरा मतलब चिल्लाने से नहीं था। क्या यार, तुमको मैं क्या क्या समझाऊंगा यार है? चलो सबसे पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको लिख लिया सब लोगों ने? जोर से बोलो। इसको अपने भी एग्जीक्यूट करना है। समझ में आ गया सबके दिमाग में? और किसी ने भी इसमें कोताही बरती टाइम पर, आज सबसे पहले कॉपी बनाओगे? क्या बनाओगे? कॉफी नहीं, हाँ कॉपी बनाएंगे ना। सब लोग लेके आएंगे सेपरेट कॉपी, और कोशिश करना कि उस कॉपी में लाइंस ना हो, लाइंस ना हो, क्योंकि कॉपी की लाइंस और हाथ की लाइंस मैटर नहीं करती है, अगर आपको सही से चलना और सही से लिखना आता है तो। समझे क्या? जिसको सीधा लिखना नहीं आता वो लाइन वाली कॉपी में तिरछा जाएगा, और जिसको सीधा चलना नहीं आता लाइफ में, उसके हाथ में कितनी सीधी लाइनें हो, वो सत्यानाश करना तय है उसका। तो प्लेन कॉपी लेके आएंगे एक, और उसमें आज से ही ये सब कुछ स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया सबको? बहुत जोर से बोले यार तुम तो। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस चीज को एग्जीक्यूट करो। ये मेंटरशिप कार्ड तुम लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा, हालांकि इससे होना जाना कुछ नहीं है, साफ बता देता हूँ पहले ही मैं, कुछ नहीं होता इससे। मेरा मानना है कि दुनिया में किसी चीज से कुछ नहीं होता, और ये बहुत सही मानना है। तुम लोग यहां आ गए हो तो क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होता है उससे, सब बकवास बातें हैं, चले जाओ अभी टाइम है। मेरा मतलब ये है कि जब तक तुम खुद मोटिवेटेड नहीं हो, तुमसे कोई कुछ नहीं करवा सकता। जो करोगे तुम करोगे, तुम्हारे दम पे करोगे, ये तुम्हारे में जज्बा है,
और ये आखिर तक रखना है, ये मैं रोज पूछता हूं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि आज सर ज्ञान देंगे निकल लेंगे यहां से? ना, मैं कभी भी चेक कर लूंगा ये कॉपी तुम्हारी DWR वाली, और जिसकी नहीं हुई वो इंसान मेरी नजरों से गिर जाएगा, अभी बोल देता हूं। और सबसे बड़ी बात, साफ सुथरा काम करना है इसमें, ऐसा काम जो तुम पढ़ पाओ लिखने के बाद कि मैंने क्या लिखा है, व्हाट आई डिड, इवन आई डोंट नो व्हाट आई डिड। क्यों? मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं इसमें क्या लिखा है मैंने, ना याद है तुमको। व्हाट आई विल, लिखा तो है बट आई डोंट नो हाउ टू रीड दिस। व्हाट आई रिग्रेट, नथिंग। व्हाई, नथिंग आई कैन रीड इन दिस, सो नथिंग आई कैन। साफ सुथरा काम करो। देखो एक चीज समझ लेना, आज आखिरी बात बता रहा हूं, उसका तुम्हारा रोटी खाने का टाइम होगा। दो चार के चूहे कान में से बाहर आ गए, पेट के चूहे यहां से ऊपर आके। जितनी भी चीजें, जैसे लोग बाग ताजमहल देखने जाते हैं, जाते हैं ना, आप में से कितने लोगों ने देखा? फोटो तो देखी है सबने, हाँ तो फोटो बहुत है और क्या, उसमें क्या देखना है यार, हद कर रहे हो तुम भी। ताजमहल क्यों देखते हैं लोग? सर बाकी सब लोग जा रहे थे, उनके पीछे पीछे चले गए, 500-600 लोग की भीड़ जाती हुई देखी हमने, हमने सोचा कि ये क्यों जा रहे, हमको भी जाना चाहिए, तो हम भी चले गए पीछे पीछे। फिर वो फोटो खींच रहे थे उसके सामने खड़े होके, हम भी खींचने लगे। फिर वो बाहर आ रहे थे, हम भी आ गए। फिर वो घर की गाड़ी में बैठ गए, तो हम भी बैठ गए हमारे घर की गाड़ी में। फिर वो अपने घर चले गए। वाह, तुम खुद के घर पे आ गए, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। देखो कितना सटीक जवाब दिया बच्चे ने, हमारे घर पे आ गए। कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके? हाँ, तो ताजमहल क्यों देखते हैं हम लोग? वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है। हमारी निगाहें, हमारी नजर वहीं टिकती है जो चीज ब्यूटीफुल है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो हमें जो भी काम कॉपी में करना है उसे सुंदर सुंदर करना है, तब उसको बार बार हाथ फेर के देखने का मन करता है कि कितना अच्छा काम किया हुआ है। ये जो व्हाट आई डिड व्हाट आई विल है, ये भी सुंदर सुंदर लिखना है, घन चक्रों, ऑटोग्राफ नहीं देने इसमें, बायोलॉजी करेंगे। अब बायोलॉजी सपोर्ट की दे रही, ज्योग्राफी किसने लिख दी है इसमें? साफ साफ लिखना है उसे। कितने लोग ऐसे जिनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, उनके अलावा कोई नहीं समझ पाता। अगर अगर देखो, अगर हैंडराइटिंग खराब हो ना, तो कोशिश क्या करो कि आप शब्दों को दूर दूर लिखो, अगर हैंडराइटिंग खराब है तो। है, हैंडराइटिंग खराब है, तुमने पास पास लिख दिए, तो एक शब्द दूसरे से कहेंगे तो कितना बेकार दिखता है रे, तो उनको थोड़ा सेपरेट किया करो, है ना, वरना आपस में चिल्लाने लगेंगे, वो डर मतलब पीटने लगेंगे दूसरे को कि तू भी घटिया मैं भी घटिया हूं, डर रहे हैं आपस में। कीप देम डिस्टेंट, दैट इज वेरी एसेंशियल। समझ में आया सब लोगों को? चूजो, जोर से बोला थोड़ा। yes, ये तुम्हारा जोर से बोलना हुआ, जोर से बोलो सब लोग। yes, क्लास खत्म कर दी जाए अब। मैं गिर पड़ू यहीं पर। अभी आप 2 मिनट रुकिए सब लोग, मेरी तरफ से दिस इज ऑल अबाउट। और अभी आपको कल की क्लास का टाइम बताया जाएगा, तो बेसिक मैथमेटिक्स से शुरू हो रही है आप लोगों की क्लास, तो सब लोगों को मेहनत करनी है। आपके साथ में केशव सर रहेंगे, और केशव सर का ये मानना है कि फिजिक्स के लिए पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये पेपर चाहिए किसी को जिसमें मैं लिख के लेके आया हूँ? एक बालिका को चाहिए, और अब तुमको भी चाहिए? ये मेरे को खुद को चाहिए, मैं रख लेता हूँ इसको। खैर कोई सा पेपर ऐसा होता है मेरा, तो मैं आजकल उसका यूज़ नहीं करता हूँ। पहले मेरे पास में ऐसे बहुत सारे पेपर्स थे जिससे मैंने बुक लिखी, जीत की रणनीति। ऐसे तो काम होता है, और कैसे होता है? ऐसा थोड़ा ना होता है कि यस आज से मैं बुक लिखूंगा और मैंने किताब लिख दी। दिस इज अ प्रोसेस। 7-8 साल की मेहनत जो होती है वो कंटेंट की फॉर्म में लिखी जाती है। तो तुम्हारे पास में पर्सनल मेंटर भी है तुम्हारा, मेरी फॉर्म में, बात करते रहना उसे, पढ़ते रहना।
और इस साल जितना हो सके उतना सेक्रीफाइस करने की कोशिश करना, अपने कंफर्ट को, सोशल मीडिया को, अपने रिश्तेदारों को, चाचा मौसा चाची बुआ फूफा जितने भी हैं तुम्हारे। आधे लोग तो 20 दिन तक शादी में चले जाते हैं। बोले सर मैं यहाँ से गया था तब वर्क फॉर एनर्जी चल रहा था, अभी 11th पूरी हो गई है, 12th की फर्स्ट बुक हो गई, रेओप्टिक चल रहा है सर, ये क्या हो रहा है? बोले तुम कहाँ थे? बोले सर शादी में था। कितने दिन गए? सर 25 दिन। 3 दिन से ज़्यादा की छुट्टी अलाउड नहीं तुमको साल भर में, वरना मत आना पढ़ने में। फिर कह रहा हूँ तुमको आज चले जाओ यहाँ से, बाहर जाओ, फीस लो, निकलो यहाँ से। कितने दिन की छुट्टी मैक्सिमम ऑफलाइन में? मतलब OFF 3, हद छुट्टी बता रहा हूं ये, चाहे क्लास में भजन ही हो रहे हो। बोले आज सर ने क्या किया? बोले आज तो वहां भरतनाट्यम चल रहा था, अटेंड करनी क्लास फिर भी। बोले कल का क्या प्लान है? वो कह रहे थे कि कर लेना कुचिपुड़ी करेंगे और ऐसा ही कुछ चलेगा, हो सकता है मुजरा वुजरा का प्लान हो कुछ, बट तुम्हें आना है क्लास में। अपना दिमाग मत लगा लेना कि ये तो मुझे को आता है, ये तो मैं जानता हूं। छुट्टी तो शुरू से ही तुम जानते हो तो फिर शुरू से ही मत आओ। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, छुट्टी मत लेना, तुम बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे तुम। किसी भी केस में छुट्टी लेंगे, लेंगे थोड़ी थोड़ी सी लेंगे सर। किसी भी केस में छुट्टी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सच बोल रहे हो ना? पक्का? ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है आप में से? हाउ मेनी ऑफ यू हैव? सब लोगों के पास में है उसको जब यहाँ एंटर। हाँ, मम्मी का, पापा का, दादा का, नानी का, किसी का, सुन लो मेरी बात। क्लास में जब घुसते हो यहाँ पर इंस्टीट्यूट में, तो उसको स्विच ऑफ कर लेना। तुम्हारे घर वालों को पता है ना तुम क्लास में जाते हो उस टाइम पे? उनको यहाँ का नंबर ही पता होगा, नहीं होगा दे देना आज जाके। कोई भी इंसान ऐसा क्लास से बाहर गया और स्टाइल में बाहर जाके खड़ा है ऐसे स्क्रॉल कर रहा है फोन, उसका अंगूठा काट दिया जाएगा और उस बच्चे को एकलव्य घोषित कर दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? कोई भी फोन स्क्रॉल करता हुआ मिला, मैं साफ साफ कह रहा हूँ तुम लोगों को। सर वो ऑनलाइन लेक्चर का PDF डाउनलोड कर रहे थे, घर पे जाके करना, यहाँ कुटाई हो जाएगी, सुताई हो जाएगी, धुलाई हो जाएगी, बिना साबुन के, बिना डिटर्जेंट के, ना केटाइनिक होगा, ना एनाइनिक होगा, ना नॉन आयनिक होगा, फिर भी खिले खिले नजर आओगे तुम, है ना? अभी बता दे रहा हूँ तुमको मैं। थैंक यू सो मच।